यीशु मसीह के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का वचन 13 से लेकर वचन 14 तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का वचन 10 से 11 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का वचन 27 से लेकर वचन 30 तक। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 का वचन 34। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 1 से लेकर वचन 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ।